सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस कमाल के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक कमाल के इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आ गया हूँ, जिसको जान के आप लोगों को बहुत खुशी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आप लोग यहाँ पे इंस्टा का लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, और आप लोग अपने यूट्यूब का भी लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्विटर का भी लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इंस्टा का लिंक कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा, और यूट्यूब का भी लिंक कॉपी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ट्विटर का भी लिंक कॉपी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर इस तरीके के लिंक ऐड कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉपी किए हुए। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस तरीके के लिंक को कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये लिंक ऐड होने से क्या होगा। अगर आप लोग मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ पे आके अगर इस इंस्टाग्राम वाले लिंक पे टैप करते हैं, तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे इंस्टाग्राम के अंदर। तो इससे हमारे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे फॉलोअर्स भी गेन हो सकते हैं, जो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे आएंगे वो टैप करके हमारे इंस्टा पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग यूट्यूब वाले लिंक पे क्लिक करोगे, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। सो अब आप लोग यहां पे देख सकते हो कि आप लोग जैसे उस पर टाइप करोगे, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आ सकते हो और यहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा तो। उसके बाद मैं आपको एक बार बैक चल के दिखाता हूं। उसके बाद आपको नीचे ट्विटर का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे ट्विटर अकाउंट के अंदर। अब आपको यहाँ पर मैं जो भी दिखाऊँगा लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा। आप लोग यहां पे देख सकते हो हमारा ट्विटर अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है। अब आप लोग यहां से हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग अपने अकाउंट में ये ऐड करोगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो प्रोफेशनल दिखने वाला है। तो आपको ये सब कैसे करना है, मैं आपको यहां पे इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर किसी भी सोशल मीडिया लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से दूसरा अकाउंट ओपन कर लिए हैं। अब हम अपने अकाउंट के अंदर कुछ भी यहाँ पे सेटिंग नहीं किए हुए हैं। यह अकाउंट मेरा एकदम से नया है। यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर कोई भी लिंक ऐड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर तीन अकाउंट ऐड करके दिखाऊँगा, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर का लिंक होगा। आप लोग यहाँ पे स्नैपचैट, टम्बलर, बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं जिसके लिंक आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहना। सो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने अपना दूसरा अकाउंट ओपन किया और यहाँ पे प्रोफाइल में आया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ भी अभी ऐड नहीं किया हूँ। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बारीकी से करके दिखा देता हूँ। तो आपको फेसबुक ओपन करना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल के नीचे एक एडिट पब्लिक डिटेल्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो सिंपल से आपको इस एडिट पब्लिक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको थोड़ा नीचे स्लाइड करना है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखता है बायो का। यहाँ पे आप लोग कुछ भी बायो में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना करंट सिटी दे सकते हैं, आप लोग किस शहर से हैं वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग काम कहाँ पर करते हैं, वर्क प्लेस आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एजुकेशन अपना बता सकते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हो या आप क्या करते हो, अपना एजुकेशन डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आप लोग अपना होम टाउन भी यहाँ पर बता सकते हो। रिलेशन स्टेटस भी दे सकते हो कि आप लोग सिंगल हो या मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ भी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे हॉबी भी अपना ऐड कर सकते हो इसमें, कि आप लोग क्या पसंद करते हो खेलना, क्या पसंद करते हो, आप लोग ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है लिंक्स का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके साइड में आपको एक ऐड का भी ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे,
आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको ऊपर एक सोशल लिंक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा और साइड में पब्लिक का, तो आपको यहाँ पे दोनों में पब्लिक को रहने देना है। यहाँ पे हम लोग जो भी ऐड करेंगे वो हमारी पूरी पब्लिक देखेगी, जो भी हमारे प्रोफाइल को ओपन करेगा वो देखेगा। अगर आप लोग नहीं दिखाना चाहते तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। सिर्फ आप लोग चाहते हो फ्रेंड को दिखाना तो आप लोग फ्रेंड पे सेलेक्ट कर लेना, और अगर आप लोग किसी को नहीं दिखाना चाहते तो ओनली मी, और अगर आप लोग सबको दिखाना चाहते हो तो पब्लिक पे सेलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड सोशल लिंक का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से एक बार सेलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट करते हो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विच, व्हाट्सएप, लाइन, वीचैट, किक, प्रिंटरेस्ट, टम्बलर, आस्क FM, साउंड कॉल्ड, स्पॉटिफाई, लिंकडिन, स्काइपी, QQ, कैको टॉल्क, VK, ओके, गिटहब, ओकलस, आप लोग यहाँ पे इतने सारे ऐप का लिंक इसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक्स ऐड करके बता देता हूँ। आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे अकाउंट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाल देना है। आपके इंस्टाग्राम का जो भी यूजर नेम होगा आपको यहाँ पे सिंपल से टाइप कर देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है लीसन गौरव। अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम कुछ न्यू अपडेट भी देते रहते हैं। अब उसके बाद आपको एक बार यहाँ पे नीचे टैप करना है। जैसे आप लोग टैप करते हो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक है यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डालना है तो आप लोग को सिंपल से फिर से इस ऐड सोशल लिंक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट सर्विस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से अकाउंट नेम पे क्लिक करना है। अब अकाउंट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपके यूट्यूब चैनल का नेम टाइप कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम अपने यूट्यूब चैनल का नेम टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे एक बार टैप करते हैं। अब हमारा यूट्यूब भी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ से एक ट्विटर का भी लिंक ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपल से फिर से ऐड सोशल लिंक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट सर्विस पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपके जो यहाँ पे ट्विटर का नेम है उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम ट्विटर का यूजर नेम यहाँ से टाइप करके दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ से अपना ट्विटर का यूजर नेम टाइप कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर से नीचे टैप करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ट्विटर का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का तीनों का लिंक ऐड हो चुका है। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप लोग उसका भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट वाले पे क्लिक करना है और वेबसाइट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आपके वेबसाइट का जो भी लिंक है आप लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल से ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ये हमारे फेसबुक प्रोफाइल के अंदर ऐड हो चुका है। अब मैं आपको एक बार और बैक लेके चलता हूँ अपने प्रोफाइल के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने रिफ्रेश कर दिया। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बारी बारी से क्लिक करके दिखाता हूँ मैं अपने डायरेक्ट यहाँ से इंस्टाग्राम पे जा सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने क्लिक किया हम डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद बैक कर लेते हैं। यहाँ से बैक करने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से एक बार यूट्यूब वाले पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने यूट्यूब के अंदर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम डायरेक्ट आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम लोग यहाँ से एक बार और बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको इसी तरीके से ट्विटर वाले पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। हम अपने ट्विटर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम अपने ट्विटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा ट्विटर प्रोफाइल भी ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से करके आप लोग भी अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लिंक ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।